अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ. ओके, थ्री क्लास टुडे विल स्टार्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट Who or what the sentence is about? Subject किसे कहा जाता है? एक ऐसा सेंटेंस जो कि शो कर रहा हो कि वो सेंटेंस किसके बारे में है और क्या है. Who or what the sentence is about? जिस चीज़ के बारे में वो सेंटेंस हो उस पर्सन को सब्जेक्ट कहा जाता है. ठीक है. प्रेडिकेट, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. तो वो सब्जेक्ट जो है या वो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट कम फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड प्रेडिकेट कम्स एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट पेज. सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट शोज नाउन और प्रोनाउन and predicate shows verb. The subject is the who or what the sentence is about, as we already read about it. The predicate tells what the subject does. Subject हमें बताता है कि sentence किसके बारे में, like किस person के बारे में है. Subject में कौन आ जाता है, noun or pronoun. और predicate हमें बताता है कि subject क्या करता है या क्या कर रहा है. Come towards the examples. At the last of the page, the big green frog, ये noun है. अगला जो sentence है वो verb है. ठीक है, उसमें verb आ रहा है. जिसमें verb आ जाए और verb से आगे का सारा sentence last तक जो होता है वो predicate में आ जाता है. ओके, jumped across the log. My sweet grandmother wore a beautiful dress. Wore is a verb. Jumped ऊपर वाले सेंटेंस में था, jumped था verb. लास्ट सेंटेंस पे आ जाएं, द ओल्ड शैक ब्लू ओवर द इन द विंड. ओके, समझ आ गया आपको कि सब्जेक्ट वो होता है जो जिसमें नाउन और प्रोनाउन आ जाए, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें वर्ब आ जाता है, और वर्ब से लेकर लास्ट तक सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट का ही पार्ट कहलाता है. ओके, लेट मी शो यू द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19. ओके, थिंक एंड आंसर नहीं हमने किया था. लेट्स लर्न ग्रामर हम करेंगे. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें आगे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की. एज वी ऑलरेडी रेड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स पे आ जाएं जो रेड पार्ट में लिखा हुआ है. द हाउस इज वाइट. द हाउस, हाउस इज अ नाउन. तो आगे इज वाइट जो सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है वो प्रेडिकेट में आ जाएगा. द कार इज ब्लू. द कार, कार जो है वो सब्जेक्ट है और इज ब्लू इज प्रेडिकेट. द टीचर, टीचर जो, द टीचर जो है वो सब्जेक्ट है. लाइक स्टूडेंट्स, लाइक स्टूडेंट जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट है. ओके, मैचिंग कॉलम पे आ जाए. ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पिक्चर. Solve picture from your book. My friend visited me in the hospital. Okay, three class, आपने इसको स्केल से मैच करना है, ऐसे ही हैंड से मैच नहीं करना है. नंबर टू, she does not like to dance. I love to play with my friends. The roses are so pretty. The flowers are blooming in the garden. In my garden, my sister was cheered up by my gift. February is the shortest month of the year. Girls kiske saath match hoga, are singing on the stage. Girls zyada hai to yahan pe are singing, are wali line aa jayegi. Theek hai, girls zyada plural noun ke saath आर यूज़ होगा. ओके, नंबर 9, माई बिगेस्ट जॉय वॉज इन गिविंग दैम ऑल अवे.
नंबर 10, वन सिंगल बर्ड को किसके साथ मैच करेंगे? वन सिंगल बर्ड वॉज कैप्ट बाय मी. ओके, कम टूवर्ड्स द पेज फ्रॉम वर्कबुक पेज नंबर 10 पार्ट डी. ठीक है, ये जो पार्ट है ये मैंने वर्कबुक पेज नंबर 10 से लिया है और ये भी आप करेंगे. ठीक है, मैच द वर्ड्स इन ए. कॉलम ए में सब्जेक्ट्स राइट किए गए हैं और कॉलम बी में प्रेडिकेट्स राइट किए गए हैं. ठीक है, उसको हमने सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है. माई सन सिंगुलर नाउन है तो माई सन इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो. इज वाली लाइन इसमें आ जाएगी. अच्छा, इज वाला एक और भी सेंटेंस है, वो भी तो हो सकता था. इज़ अ वेरी लार्ज सिटी, माई सन इज़ अ वेरी लार्ज सिटी. समथिंग रॉन्ग इज देयर. ओके, माई सन इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो. A spider has 8 legs. The little boy played with his puppy. Kamran came last in the race. Karachi is a very large city. Okay, 3 class, that was our today's lecture. I hope you all get understand. Okay, Allah Hafiz.